हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रीमा। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं छोटे बच्चों का शर्ट सिलने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी, तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में मैं बच्चों के शरीर से नाप लेना, कटिंग करना और इसकी सिलाई, इन तीनों बातों को बताने वाली हूँ। छोटे बच्चों की शर्ट सिलने के लिए ज़्यादा मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं होता है। अगर आप 3 मेजरमेंट ले लेंगे तो कटिंग हो जाएगा, जैसे शोल्डर, लंबाई और चेस्ट। तो इसी प्रकार मैं यहाँ पे मेजरमेंट ले लेती हूँ। इसी प्रकार आपको भी लेना है, यहाँ से यहाँ तक ये 9.5 इंच आया। अब लंबाई का मेजरमेंट लेंगे तो यहाँ से इस तरीके से रखना है और लंबाई जितना आपको चाहिए उतना लिख लेना है। तो मैं 16 इंच लूँगी। मुझे इन करने वाला शॉर्ट नहीं बनाना है। अगर आपको इन करने वाला बनाना है तो 1.5-2 इंच और बढ़ा लीजिए। अब इस प्रकार हम चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे तो ये 22 इंच और यहाँ से ये 20 इंच कमर। और यहाँ पे अगर आप हिप का भी मेजरमेंट लेना चाहते हैं तो इस तरीके से ये 22 इंच आया। तो सिर्फ आप चेस्ट का भी ले लेंगे तो हो जाएगा। तो इस प्रकार मैंने इन सारे मेजरमेंट को ले लिया है। इसी मेजरमेंट पे मैं कटिंग करूँगी। तो आप चाहें तो बाजू की लंबाई और उसकी गोलाई का भी नाप ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने नहीं लिया, उतना उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। वो फिटिंग बाद में भी किया जा सकता है। और स्लीव की लंबाई मैं यहाँ पे 3.5 इंच रखूँगी। इसकी कटिंग के लिए मैंने 1.25 मीटर कपड़ा लिया है और इसको इस प्रकार टू फोल्ड कर दिया है। अब इसको सीधा कर देंगे यहाँ पे और इधर से हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, वो बटन और काज पट्टी के लिए, और इसको सीधा कर देंगे। उसके बाद हम शॉर्ट की लंबाई का चेन लगाएंगे। तो जैसे शॉर्ट की लंबाई 16 इंच रखना है तो उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा करके चेन लगाएंगे। 0.5 इंच ऊपर सिलाई में जाएगा और 0.5 इंच नीचे सिलाई में जाएगा। अब आर्म होल का चिन्ह लगाएंगे। तो इस प्रकार चेस्ट का 1/4 हम यहाँ पे लेते हैं। जैसे चेस्ट है 22 इंच, उसका 1/4 5.5 इंच होगा। तो यहाँ पे मैंने 5.5 इंच पे चिन्ह लगाया। अब उसके बाद इन दोनों के बीच में हम कमर का चिन्ह लगा देंगे और तीनों को सीधा कर देंगे। अब हम शोल्डर का चिन्ह लगाएंगे। तो मैं यहाँ से 5.25 इंच लूँगी, क्योंकि शोल्डर 9.5 इंच था, उसका हाफ करेंगे तो ये 4.5 इंच होगा और उसमें 0.5 इंच सिलाई के लिए लेंगे। तो इस तरीके से ये 5.25 इंच होगा। अब उसके बाद यहाँ पे हम चेस्ट का 1/4 लेंगे तो ये 5.5 इंच और उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अब यहाँ पे कमर 20 इंच था तो उसका 1/4 5 इंच और उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा। उसी प्रकार जितना यहाँ पे आया चेस्ट, उतना पे यहाँ भी लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर ही था, चेस्ट और हिप, और इस प्रकार सबको मिला देंगे। तो यहाँ पे मैंने जो 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, मीडियम साइज़ के शॉर्ट के लिए हम 2 इंच ही एक्स्ट्रा लेते हैं। अगर आपको ज़्यादा लूज बनाना है शॉर्ट तो आप 0.5 इंच और बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे गोलाई देंगे तो 1 इंच ऊपर चिन्ह लगाएंगे और इसको हाफ करके इस प्रकार चिन्ह लगाएंगे और दोनों को मिला देंगे। तो यहाँ पे इस गोलाई हो जाएगा। अब इस फ्रंट पार्ट के लिए इसके अंदर 0.25 इंच अंदर इस प्रकार चिन्ह लगाएंगे और यहाँ से शोल्डर से इस प्रकार मिलाएंगे हम, और यहाँ से इसको इस तरीके से गोलाई देके ये पीछे वाले चिन्ह से मिला देंगे। तो ये फ्रंट पार्ट के लिए है। अभी हम पीछे वाले पर ही कटिंग करेंगे। अब हम यहाँ पे गले का चिन्ह लगाएंगे। तो गले के चिन्ह के लिए क्या कीजिए, जितना चेस्ट है उसको 12 से डिवाइड कीजिए और जितना आता है उतना ही यहाँ पे हम लगाते हैं। तो ये 22 को 12 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 से 1 पॉइंट कम आएगा। तो इस प्रकार उतना पे लगाएंगे और उससे 0.5 इंच एक्स्ट्रा करके हम लंबाई का चिन्ह लगा लेंगे। तो इस तरीके से करके दोनों को इस प्रकार गोलाई दे देंगे गले के लिए। उसके बाद हम शोल्डर को 0.5 इंच यहाँ से डाउन करेंगे। अब हम इसी को रख के बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये जो फोल्डेड साइड है उधर से इसको इस प्रकार रखना है, जो 2 इंच फोल्ड है उसको फोल्ड ही रहने देना है और इस प्रकार बराबर करके रखना है, और 1 इंच इस प्रकार नीचे की तरफ रखना है, क्योंकि बैक पार्ट को 1 इंच ज़्यादा कटिंग करना है। तो इस प्रकार 1-1 इंच ज़्यादा लेके हम इस प्रकार इसको मिलाएंगे। तो अब बाकी सब सेम कटिंग करना है और यहाँ से गले की चौड़ाई उतना ही लेंगे जितना आगे की आगे हमने लिया था, तो वो मैंने 2 से 1 पॉइंट कम लिया था, उतना ही यहाँ पे भी लूँगी। और लंबाई गले की 1 इंच इस प्रकार डाउन करेंगे, 1 इंच लेंगे पीछे की तरफ से और सेम इसी पर हमें कटिंग कर देना है।
उसके बाद ये जो आगे के लिए मैंने चेन लगाया था फ्रंट पार्ट में, उसको कटिंग कर लेती हूँ। ये तो ये दो कटिंग हो गया। अब हम बाजू की कटिंग कर लेंगे। तो ये जो कपड़ा बचा है इसको चार फोल्ड करेंगे इस प्रकार। और इसकी जो चौड़ाई होगी, जितना आपने आर्म होल लिया है उससे, जैसे मैंने 5.5 इंच लिया था तो यहाँ पे 6.5 इंच लूँगी, और 1.5 इंच यहाँ से फोल्ड करने के लिए लेंगे। और बाजू की लंबाई मैं 3.5 इंच रखूँगी, और 0.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई के लिए लेंगे। तो ये 4 इंच पे लगेगा, और दोनों को सीधा कर देंगे ऐसे। और इसके नीचे इस तरीके से 2 इंच लूँगी, और यहाँ से भी 2 इंच लेके इस प्रकार हम मिला देंगे ऐसे। और ये 0.5 इंच 1/4 इंच अंदर की तरफ एक निशान लगाएंगे, वो फ्रंट पार्ट के लिए होगा। अब यहाँ से ये बाजू की गोलाई 4.5 इंच रखूँगी, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा करके इसकी कटिंग कर लेंगे। तो बाहर वाले चेन पे पहले कटिंग करेंगे। ये इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा, और इसमें से 2 लेयर लेना है, यानी कि स्लीव का यहाँ पे 4 लेयर है। तो 2 लेयर को लेके इस प्रकार आगे की तरफ गहराव दे देंगे, और बीच में कट लगा देंगे। तो यहाँ पे मैंने पॉकेट की कटिंग के लिए चौकोर कपड़ा लिया है, इसमें से 1.5 इंच फोल्ड होगा अंदर की तरफ, और पॉकेट की लंबाई इस प्रकार ये मैंने 4 इंच लिया है। और पॉकेट की जो चौड़ाई होगी मुझे 3 इंच रखना है, तो 3 इंच ले लेंगे, और दोनों तरफ सिलाई के लिए ले लेंगे, और जो एक्स्ट्रा है इसमें से कटिंग करके निकाल दूंगी। तो इसकी इस प्रकार मैंने इसकी चौड़ाई 5 इंच रखा है, और लंबाई 5.5 इंच। तो इस प्रकार ये 1.5 इंच अंदर के साइड में फोल्ड होगा। मैं इसको इस प्रकार पिन लगा के अटैच कर देती हूँ, और दोनों तरफ से ये 0.5 इंच इस प्रकार फोल्ड करेंगे। तो इन दोनों तरफ भी पिन लगा देती हूँ। अब यहाँ पर इस प्रकार ये फोल्ड करेंगे हम, और इसी प्रकार ये पॉकेट अटैच होगा। तो आप यहाँ पे प्रेस लगा के इसको प्रेस लगा देंगे, तो ये अच्छी तरह सेट हो जाएगा। तो इस प्रकार ये कटिंग हो गया, फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट, और ये पॉकेट और स्लीव। और इस जो कपड़ा बचा है इसमें से मैं कॉलर की कटिंग करूँगी। तो अब मैं इसको सिलाई कर देती हूँ। तो यहाँ पर हम पहले फ्रंट पार्ट को तैयार करेंगे। तो ये जो मैंने एक्स्ट्रा लिया है वहाँ पर कट लगा देती हूँ। यहाँ से हम इसको फोल्ड करेंगे। तो इस साइड से हम इसको ऐसे रखेंगे। तो जो लेफ्ट साइड वाला है उसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, और राइट साइड वाले को बाहर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो जो बाहर की तरफ फोल्ड करेंगे इसमें हम काज बनाएंगे। तो इसको ऊपर के साइड में फोल्ड करूँगी। तो पहले इस किनारे पे सिलाई कर लेंगे। तो हल्का सा 1 पॉइंट अंदर करना है, फिर ये दूसरी साइड भी सिलाई करेंगे। तो ये 1 इंच चौड़ी पट्टी बनाना है यहाँ पर ऐसे, और यहाँ भी किनारे पे सिलाई करेंगे। तो बिल्कुल किनारे पे नहीं करना है, 1 पॉइंट अंदर करेंगे थोड़ा। तो इस तरीके से ये दिखेगा, इसमें काज बनेगा। और ये लेफ़्ट साइड वाले में हम बटन वाली पट्टी बनाएंगे। तो इसको अंदर के साइड में फोल्ड करेंगे इस प्रकार, और 0.5 इंच चौला फोल्ड करके इस पर सिलाई कर देंगे। इस प्रकार तो ये इस प्रकार इसके ऊपर आएगा। अब हम शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। तो बैक साइड को इस प्रकार नीचे रखेंगे, और इसके ऊपर दोनों फ्रंट पल्ले को रख के यहाँ पे शोल्डर को जॉइंट कर देंगे। शोल्डर जॉइंट करने के बाद इसको इस प्रकार पलटेंगे, और जो सिलाई है वो पीछे के साइड में करेंगे, और उसके ऊपर सिलाई कर देंगे ऐसे। अब यहाँ पे स्लीव लगाएंगे। तो स्लीव को पहले तैयार कर लेंगे। ये जो फोल्ड करना है यहाँ पे फोल्ड कर लेती हूँ। तो इस प्रकार 1.5 इंच अंदर के साइड में फोल्ड करना है। तो पहले 0.5 इंच फोल्ड करेंगे, और फिर 1 इंच चौड़ा इस प्रकार पट्टी बनाएंगे, और यहाँ पे किनारे पे सिलाई करेंगे। तो उसी प्रकार दोनों को करना है। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, उसके ऊपर के साइड में एक और सिलाई करेंगे 2 पॉइंट की दूरी से। तो इस प्रकार मैंने स्लीव के ऊपर 2 सिलाई चलाया है। अब हम इसको इसमें ज्वाइंट करेंगे। तो इसको इस प्रकार रखना है, जो गहराव वाला साइड है वो फ्रंट साइड में आना चाहिए इस तरीके से। अब इसके ऊपर ये जो मैंने कट लगाया है उस सिलाई के ऊपर रखेंगे सेंटर में, और यहीं से स्लीव लगाना स्टार्ट करेंगे। तो बिल्कुल भी खींचना नहीं है, ऐसे आराम से
रखते हुए इसको सिलाई कर देना है ऐसे। और फिर दूसरी साइड भी इसी प्रकार लगा लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो सिलाई है वो पीछे के साइड में करेंगे ऐसे, और इसके ऊपर सिलाई करेंगे। तो इसी प्रकार मैं दोनों स्लीव को लगा लूँगी। तो यहाँ पे मैंने दोनों स्लीव उसी प्रकार ज्वाइंट कर लिया है। अब हम पॉकेट को तैयार करेंगे। तो जो पॉकेट मैंने 1.5 इंच फोल्ड करने के लिए लिया था, इस प्रकार इस पे दो सिलाई करेंगे, एक उसके ऊपर एक और करेंगे। अब इस प्रकार ये ज्वाइंट होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले ये 3 इंच चौड़ा पॉकेट चाहिए, तो इसको तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है पहले काट के निकाल देंगे अंदर के साइड से, और इसको बीच से फोल्ड करेंगे ऐसे, और बीच में एक निशान लगा देंगे, और पॉकेट के नीचे दोनों तरफ 1.25 इंच दूरी पे एक निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे इसको ज्वाइंट करना है, तो जो आर्म होल वाला ये सिलाई है उसके 1.25 इंच ऊपर एक निशान लगाएंगे इस सिलाई के। तो यहाँ पे लगेगा, और इधर से 1.5 इंच अंदर के साइड में एक निशान लगाएंगे ऐसे, और यहीं पे हम इस पॉकेट को यहाँ पे अटैच करेंगे। तो इसको मैं यहाँ पे पिन लगा के अटैच कर देती हूँ। और नीचे हम बाद में फोल्ड करेंगे सिलते समय। तो ये जो सिलाई है यहाँ तक लाएंगे, जो 1.25 इंच मैंने निशान लगाया था वहाँ से इसको फोल्ड कर देंगे यहाँ सेंटर तक ऐसे, और फिर इसको यहाँ तक हम सिल के लाएंगे, यहाँ सेंटर के पास से इसको इस साइड में फोल्ड करेंगे। और इधर भी जो मैंने 1.25 इंच ऊपर निशान लगाया है वहाँ से इसको फोल्ड करेंगे ऐसे यहाँ तक, और फिर हम इस प्रकार ऊपर की तरफ सीधी सिलाई चला देंगे। तो यहाँ पे पक्का कर देंगे। तो इस प्रकार यहाँ पे पॉकेट अटैच हो गया। अब हम इस साइड फिटिंग कर देंगे। तो इस तरीके से दोनों साइड से पकड़ के सिलाई चला देंगे। अब हम इसको नीचे के साइड से फोल्ड कर देंगे। तो ऐसे पहले सिंगल फोल्ड करना है, और फिर इसको इस प्रकार डबल करके एक और सिलाई कर देंगे। तो एक ही बार में फोल्ड करने से ये यहाँ पे सही नहीं बैठता है, क्योंकि यहाँ पे ये तिरछा कपड़ा होता है, तो इसको इस प्रकार डबल में ही फोल्ड किया जाता है। अब फोल्ड करने के बाद हम कॉलर की कटिंग करेंगे। तो इसकी लंबाई नापेंगे कितना है, तो इस तरीके से ये इसकी टोटल लंबाई 12.5 इंच है। तो हम क्या करेंगे, 11.5 इंच की कॉलर कटिंग करेंगे, क्योंकि एक के ऊपर एक जब हम इसको रखते हैं ऐसे तो ये 1 इंच कम हो जाता है। तो कॉलर हमें 11.5 इंच की कटिंग करना है। तो ये जो कपड़ा बचा है इसको पहले मैं सीधा कर देती हूँ, और यहाँ पर इसी में से कॉलर की कटिंग करेंगे। तो कॉलर 11.5 इंच की कटिंग करना है, तो उसका हाफ करके हम यहाँ पे चेन लगाएंगे। तो यहाँ पे ये 1.75 इंच आएगा उसका हाफ, और 0.5 इंच हम सिलाई के लिए लेंगे, और इधर इसकी चौलाई कॉलर की 3 इंच रखेंगे, और जितना ये है उतना यहाँ पे नीचे भी लगा देती हूँ। और यहाँ से 0.5 इंच की दूरी से हम इसको इस प्रकार राउंड करेंगे ऐसे, और इधर जैसे 3 इंच है तो टोटल में हम 3 इंच ले लेंगे। अब यहाँ पे सीधी कटिंग करेंगे ऐसे, और इधर से जो मैंने 0.5 इंच की गोलाई दिया है इस प्रकार, और यहाँ से क्या करेंगे, जितना है
ऊपर की तरफ हमें 1/4 इंच एक्स्ट्रा लेके कटिंग करना है ऐसे तिरछा में। इसको बराबर कर देती हूँ ऐसे। तो ये कॉलर की कटिंग हो गया, ये इस प्रकार ज्वाइंट होगा। तो पहले हम यहाँ पे किनारे किनारे सिलाई कर देंगे ऐसे आधा इंच पकड़ के टोटल में। उसके बाद हम इसको सीधा कर देंगे इस तरीके से। सीधा करने के बाद इसके ऊपर एक और सिलाई चलाएंगे। तो ये अब कॉलर तैयार हो गया है। अब हम इसको यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे, तो बीच से फोल्ड करके यहाँ सेंटर में कट लगाएंगे और इसको भी फोल्ड करके यहाँ पीछे के साइड में सेंटर में कट लगाएंगे और दोनों कट को मिला के इस प्रकार हम इसको अटैच करेंगे ऐसे। तो दोनों साइड में आधा आधा इंच लगभग कम पड़ेगा कॉलर। अब हम यहाँ पे तिरछी पट्टी लेंगे और कॉलर के ऊपर इस प्रकार से रखेंगे और आधा इंच कपड़े के आधा इंच पट्टी को बाहर निकाल के हम इसको इस प्रकार ज्वाइंट करेंगे ऐसे। और दूसरे साइड भी आधा इंच एक्स्ट्रा करके इसकी कटिंग करेंगे और बीच में कट लगा देंगे छोटा छोटा। उसके बाद इसको इस प्रकार फोल्ड करना है। तो जो एक्स्ट्रा है उसको पहले फोल्ड कर देंगे और फिर आधा इंच फोल्ड करेंगे और फिर इसको ऐसे डबल फोल्ड करके यहाँ पे किनारे पे सिलाई करेंगे। और जो मार्जिन है उस पट्टी के अंदर जाना चाहिए। तो इसी प्रकार मार्जिन को पट्टी के अंदर करते हुए पट्टी के ऊपर हम किनारे पे सिलाई करेंगे। और इधर भी जो एक्स्ट्रा है उसको अंदर के साइड में करके उसके ऊपर सिलाई करेंगे ऐसे। तो ये कलर अब अटैच हो गया है, ये इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे मैं बटन लगाऊंगी। तो ये शर्ट सिलने का मैंने बहुत ही आसान तरीका बताया है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस तरीके की और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।